हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल पे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने जाना था प्रतिवेदन किसे कहते हैं। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है और इसे तैयार कैसे करते हैं। साथ ही साथ हमने चर्चा की थी विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों को कैसे लिखा जाता है और उनके क्या उद्देश्य होते हैं। आज के अध्याय में दोस्तों हम चर्चा करेंगे प्रबंधकीय प्रतिवेदन के विषय में। प्रबंध हेतु प्रतिवेदन या फिर प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली प्रबंधकीय लेखा विधि का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी संस्था से संबंधित सभी अधिकारियों के समक्ष भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रतिवेदन के द्वारा तैयार किया जाता है, जिनके आधार पर वे सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं और आगे नीति निर्धारण करते हैं। यही कार्य प्रतिवेदनों एवं अन्य वितरण पत्रों के आधार पर ही किया जाता है। तो प्रबंध लेखापाल का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह व्यवसाय के संचालन एवं अन्य सूचनाओं से संबंधित तथ्यों एवं आंकड़ों को सही समय पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करे और इसी प्रस्तुत करने की क्रिया को प्रबंध हेतु प्रतिवेदन कहा जाता है। दोस्तों, इसकी प्रभावशाली व्यवस्था के अभाव में प्रबंध के लिए लेखा विधि का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम जानेंगे प्रबंधकीय प्रतिवेदन होता क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसके क्या सिद्धांत है। इसके प्रमुख सिद्धांतों पर हम आज के अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय प्रबंधकीय प्रतिवेदन। और सबसे पहले जानते हैं प्रबंधकीय प्रतिवेदन कहते किसे हैं। दोस्तों, ये प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली संवहन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचनाएं पहले एकत्रित की जाती हैं और फिर संस्था के नियोजन, निर्देशन, निर्णयन तथा नियंत्रण आदि जैसे प्रबंधकीय कार्यों के लिए फिर उपलब्ध कराई जाती हैं। वास्तव में प्रतिवेदन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रतिवेदनों के द्वारा सूचना संबंधित अधिकारियों को निरंतर प्रदान की जाती है। इस प्रकार प्रतिवेदन प्रबंध हेतु आवश्यक सूचनाओं को प्रेषित करने की एक विधि है और सही एवं उचित रूप में तैयार किया गया प्रतिवेदन पाने वाले यानी कि संबंधित अधिकारी के ज्ञान में भी अभिवृद्धि करता है। दोस्तों, प्रतिवेदन का शाब्दिक अर्थ होता है सूचनाओं को संप्रेषित करना। होम स्ट्रीट एवं बेटी के अनुसार प्रतिवेदन प्रबंध को निर्णयन कार्य में सहायता देने हेतु व्यवसाय के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को शोध अथवा वस्तु स्थिति से संबंधित सूचना देने का लिखित संवहन है। यानी कि आप प्रतिवेदन के द्वारा संबंधित अधिकारी को जो भी सूचनाएं हैं, सभी सूचनाओं को एकत्रित करके उनको उससे अवगत करा सकते हैं ताकि वे सही समय पर इसका निर्णय ले सकें कि क्या सही है और क्या गलत है और उसे आगे पारित करने के लिए उसको आगे पारित करने की हमें परमिशन दे सकें। दूसरे शब्दों में प्रतिवेदन प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परिभाषित समक्ष साधनों का उपयोग करने वाले उत्तरदायी लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए जरूरी सूचनाएं संकलित, संश्लेषित एवं संप्रेषित की जाती हैं। यानी कि प्रतिवेदन के द्वारा आप किसी तक अपनी सभी बातें आसानी से पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रबंधकीय प्रतिवेदन के उद्देश्य होते क्या है। सबसे पहला है, प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली में सूचनाओं को संबंधित अधिकारियों तथा प्रबंधकों तक पहुंचाना होता है और जो ये सूचनाएं होती हैं, ये आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता, कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण आदि के रूप में, किसी भी रूप में हो सकती हैं। प्रतिवेदन की सहायता से विभिन्न योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ योजना का चुनाव आसानी से संभव हो जाता है। जैसे उदाहरण है, या तो हम बनाएं या फिर खरीदें, या किराए पर लें या इसको खरीद लें, इन सब का निर्णय हम प्रतिवेदन की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के लेखों के विश्लेषण के द्वारा संस्था के लाभ को बढ़ाया नहीं जा सकता, किंतु फिर भी प्रबंध के लिए आवश्यक हल निकालने में इससे हमें सहायता अवश्य मिल जाती है और जिससे कार्य से लाभ मिल पाता है।
प्रतिवेदनों से प्रबंधकों के अलावा व्यवसाय के अन्य पक्षों जैसे वित्तीय संस्थाओं, सरकार, कर अधिकारियों, स्कंद विपणन आदि को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ नियंत्रण प्रबंधकीय प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, प्रतिवेदन से कर्मचारियों की क्षमता का माप संभव होता है। यह लागत को नियंत्रित करने में हमें काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ प्रतिवेदन की सहायता से प्रबंधक गलत एवं अनिष्टकारी प्रवृत्तियों पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। प्रबंधकीय प्रतिवेदनों की सहायता से प्रबंधकीय क्षमता के निष्पादन का मूल्यांकन भी आसानी से किया जा सकता है और फिर प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। व्यावसायिक परिवर्तनों की स्थिति में इसका सामना करने में प्रबंधकीय प्रतिवेदनों से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर हमें काफ़ी सहायता मिल सकती है। प्रतिवेदनों के आधार पर विभिन्न विभागों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। व्यावसायिक प्रतिवेदनों से व्यवसाय के परिणामों का विश्लेषण किया जा सकता है। व्यवसाय के भूतकालीन परिणामों तथा वर्तमान परिस्थितियों को देखकर प्रबंधक भविष्य के लिए नियोजन कर सकता है। साथ ही साथ प्रतिवेदनों के माध्यम से ग्राहकों, अंशधारियों एवं सरकार से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमने जाने प्रबंधकीय प्रतिवेदन के उद्देश्य क्या है। अब हम इसके सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। प्रबंधकीय प्रतिवेदन उन अनेक ऐसी सूचनाओं का संक्षिप्त विवरण है जो कि प्रबंधकों को अपने निर्णय लेने के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए इनको तैयार करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है उचित शीर्षक, यानी कि प्रत्येक प्रबंधकीय प्रतिवेदन का इसके अंतर्निहित विषयों को दर्शाता हुआ एक उचित शीर्षक होना आवश्यक है, जिससे कि यह पता चल सके कि यह कहाँ से आरंभ किया गया, किस अवधि का है और साथ ही साथ किस व्यक्ति के लिए इसे तैयार किया गया है। दूसरा है सरलता, प्रतिवेदन हमेशा सरल, स्पष्ट और बोधगम्य भाषा में तैयार किए जाने चाहिए ताकि उनके प्रयोगकर्ता उनका सही प्रयोग कर सके और जहां तक हो सके प्रतिवेदनों में लेख विधि की तकनीकी भाषा का प्रयोग ना किया जाए, यानी कि बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया जाए। तर्क संगत क्रम, प्रतिवेदनों में हमेशा सूचनाओं को तर्क संगत क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संक्षिप्तता, प्रतिवेदन अनावश्यक रूप से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा, विशिष्ट व सही होना चाहिए। अनावश्यक व असंबंध सूचनाओं को प्रतिवेदन में नहीं दिया जाना चाहिए। प्रतिवेदन के सहायक तथ्यों या आंकड़ों को परिशिष्ट के रूप में दिया जाना चाहिए। अगला है स्पष्टता, प्रबंधकीय प्रतिवेदन में दी गई सूचनाएं, जो भी आप सूचनाएं उसमें देते हैं, वे एकदम स्पष्ट होनी चाहिए ताकि कोई भी पढ़ने वाला इसका गलत निष्कर्ष ना निकाल सके। संबद्धता, प्रतिवेदन में सभी स्तर के प्रबंधकों को केवल वे ही सूचनाएं प्रस्तुत की जाए जो कि उनके लिए आवश्यक और उपयोगी हो। अनावश्यक या अनुपयोगी सूचनाएं हमें उसमें प्रतिवेदन में नहीं लिखनी चाहिए, इससे प्रतिवेदन बेवजह बड़ा हो जाएगा और अधिकारियों को उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा समय बर्बाद करना पड़ेगा। तत्परता, प्रतिवेदन की तैयारी व उसके प्रस्तुतीकरण में शीघ्रता लाई जाए। जैसे ही आपका कार्य पूरा हो जाता है आपको साथ ही साथ प्रतिवेदन का कार्य भी पूरा कर लेना चाहिए। इससे देरी से जो कार्यवाही का समय है वो निकल जाता है। यदि आप देर से प्रतिवेदन तैयार करेंगे, देर से अधिकारी इसको पढ़ेंगे, तो जो इसकी तैयारी का उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा, बेकार जाएगा। तुल्यता और एकरूपता, प्रबंधकीय प्रतिवेदन में पिछले निष्पादनों से तुलना करना संभव होना चाहिए, यानी कि उस विषय से संबंधित जो पिछले प्रतिवेदन है उनसे उसकी तुलना आसानी से की जा सके, जिससे प्रवृत्ति और संबंध का पता लग सके। इसके लिए विभिन्न अवधियों के प्रतिवेदनों में हमेशा एक रूपता होनी चाहिए। अगला है अपवाद का सिद्धांत, प्रबंधकीय प्रतिवेदन में सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण में अपवाद के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, अर्थात इसमें केवल वे ही तथ्य दर्शाए जो कि सामान्य या फिर योजना से
अलग हूँ। अनुकूलनीयता, प्रबंध के प्रतिवेदन का प्रारूप व विषय वस्तु, इसके तैयार करने के उद्देश्य व इसके प्रयोगकर्ता प्रबंधक के दृष्टिकोण व रुचि के अनुरूप होने चाहिए। यानी कि आपको पता है कि किस अधिकारी के लिए आप प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं, तो इसमें जो भी विषय है उसके अनुकूल, उसको अच्छा लगे, उसकी रुचि के अनुरूप हो, इस प्रकार का प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए। किंतु एक ही प्रबंधक को प्रस्तुत किए जाने वाले एक ही विषय के विभिन्न अवधियों के प्रतिवेदनों में एक रूपता का होना आवश्यक है। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। शुद्धता, प्रतिवेदन में दी गई सूचनाएं शुद्ध व सही हों, अन्यथा प्रबंध का इन प्रतिवेदनों से फिर विश्वास ही उठ जाएगा। और प्रतिवेदन में शुद्धता लाने के प्रयत्न में सूचना की स्पष्टता, शीघ्रता व लागत पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिए। नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय तथ्यों में स्पष्ट भेद होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक प्रबंधकीय प्रतिवेदन में नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय तथ्यों का वर्णन अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि उत्तरदायित्वों का सही निर्धारण किया जा सके। लागत, प्रबंधकीय प्रतिवेदन से मिलने वाला लाभ उसमें निहित लागत के अनुरूप होना चाहिए। यद्यपि इस प्रणाली के लाभ का मौद्रिक मूल्यों में आकलन करना संभव नहीं है, किंतु फिर भी यह प्रयास करना चाहिए कि जो भी आप प्रतिवेदन प्रणाली बनाते हैं वह मित व्ययी हो, यानी कि कम खर्चे वाली प्रतिवेदन प्रणाली हो। तो दोस्तों, ये हमने जाना प्रबंधकीय प्रतिवेदन के उद्देश्य और सिद्धांत, किस प्रकार हमें प्रबंधकीय प्रतिवेदन तैयार करते समय कुछ बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।